कार्यवाहक तहसीलदार राधेश्याम बेहर एवं सरपंच सचिव ग्राम सेवक को जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सुनील के जेएसएस अध्यक्ष कैलाश गुर्जर सलोते किसान संघ के नंद किशोर धाकड़ निपानिया के विष्णु सिंह छाला के नेतृत्व में ज्ञापन देकर बताया गया कि वर्ष 2020 खरीफ की सोयाबीन उड़द की फसल पीलिया रोग पड़ने रस सूचक व तना छेदक कीट तथा इल्ली लगने से संपूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, जिसके चलते कृषि प्रवेशकों द्वारा बताई गई दवाइयां भी काम नहीं आ रही। किसानों की फसल का हल्का पटवारियों तथा कृषि प्रवेशकों द्वारा करवाकर उचित बीमा क्लेम व मुआवजा प्राप्त हो सके, जिसके चलते किसानों द्वारा फसलों के सर्वे करवाकर किसानों को बीमा क्लेम का सही दाम मिले और सरकार से आपदा प्रबंधन कोष से सहायता राशि मिल सके। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, इसलिए हम जिला कलेक्टर के नाम है तहसीलदार जी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जो ज्ञापन निम्न प्रकार है। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, मिनी सचिवालय झालावाड़। मेरी फसल 2020 में पीलिया रोग से नष्ट हुई फसल के लिए ज्ञापन देने बाबत मान्यवर से निवेदन है कि सूरत तहसील के सभी गाँव में सोयाबीन उड़द की फसल पीलिया रोग से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है। 2019 में भी किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लगातार किसानों की फसल खराब होने से किसान अपने परिवार का लालन पालन करने में असमर्थ है, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द। स्वाईपुर कस्बे के निकटवर्ती सोपरो गांव के राजकीय प्राथमिक